सोनभद्र जिले के रावर्सगंज कस्बा में भीषण गर्मी के बावजूद भी प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ा गया, जिससे पीड़ित लोगों में अफरा तफरी के साथ मायूसी का आलम भी था। नगर में अफरा तफरी का माहौल हो गया जब प्रशासन ने सड़क अतिक्रमण को लेकर अभियान छेड़कर बाजार में सड़क अतिक्रमण मुक्त किया गया। सदर SDM यमुनाधर चौहान पुलिस बल के मौजूदगी में अभियान में शामिल हुए। दरअसल ये अभियान पूर्व सूचना के बाद भी जो दुकानदार द्वारा सड़क अतिक्रमण खाली नहीं किया गया था, उस अतिक्रमण को जबरन JCB के सहारे हटाया गया। रावर्सगंज नगर के महिला थाने के पास कचहरी रोड स्थित हाई ड्रिल कॉलोनी पर अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को प्रशासन ने खाली करा लिया। इस मौके पर SDM यमुनाधर चौहान ने कहा कि सड़क पर अतिक्रमणकारियों को पूर्व में ही सड़क को खाली करने की सूचना दे दी गई थी। कुछ लोगों ने तो खाली कर दिया, लेकिन कुछ लोग प्रशासन की चेतावनी के बाद भी नहीं खाली कर पाए, जिसके बाद प्रशासन को कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ा। नगर को जाम की मुक्ति से समस्या दिलाने के लिए और जो अवैध अतिक्रमण हो रखे हैं उसको हटाने के लिए जिले स्तर से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पूर्व में भी नोटिस जारी की गई थी और साथ ही साथ कल इसकी मुनादी भी कराई गई कि जिन लोगों ने अतिक्रमण करता है वो लोग अपने अतिक्रमण को हटा लें, अन्यथा मजदूरों प्रशासन को हटाना पड़ेगा और साथ ही साथ हटाने की के संबंध में वसूली भी की जाएगी। इसी अभियान के तहत ये अतिक्रमण की हटाने की कार्रवाई की जा रही है और ये बड़े पैमाने पर एक ड्राइव के तहत चलेगा और आने वाले टाइम पे शहर के जो मेन जितने भी एरियाज हैं और अवैध अतिक्रमण है उनको हटाया जाएगा। तो जैसा कि नगर के मेन मार्केट में सब्जी मंडी अस्थायी रूप से संचालित हो रही है, तो क्या उसको भी हटाने के? ये एक पन्नूगंज और मेन शहर को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है और तहसील और कचहरी परिसर में स्थित है, इसीलिए हम लोगों ने निर्णय किया कि पहले इस अभियान की शुरुआत इसी रास्ते से की है, एक एक करके सभी रास्तों को अतिक्रमण मुक्त किया है। सर, रेलवे क्रॉसिंग पर लगातार जाम रहता है, तो उस एरिया को भी क्या अतिक्रमण कराया जाए? बिल्कुल बिल्कुल।